पर राहत की खबर मिल रही है। कोरोना से पीड़ित रहे दो मरीज एसएमएस अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। ये बड़ी राहत है राजस्थान के लिए। कोरोना वायरस लगातार बढ़ रहा है, उसी बीच बहुत बड़ी राहत की खबर है। कोरोना से पीड़ित रहे दो मरीज एसएमएस अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए। इटालियन महिला और दुबई से लौटे बुजुर्ग को छुट्टी दे दी गई है। दोनों मरीजों के उपचार के बाद रिपोर्ट आ चुकी है निगेटिव, और साथ ही साथ वो पूरी डिटेल हम आपको बता रहे हैं। दोनों मरीजों से ली अस्पताल प्रशासन ने मेडिकल अंडरटेकिंग, और उसके बाद दुबई से लौटे बुजुर्ग का इमरजेंसी आईसीयू में इलाज चल रहा था। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ विकास शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विकास, ये अच्छी खबर है पूरे राजस्थान के लिए हम कहें या फिर देश के लिए भी कहें, क्योंकि लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दो मरीज जिनको छुट्टी दे दी गई है जो पॉजिटिव थे। दीपा, देखिए आज की जो खबर है राहत की खबर है, क्योंकि इस वक्त राजस्थान में पूरा देश जो है कोरोना की तरफ बढ़ रहा है। अगर इसको हम रोक पाए तो काफी हद तक कोरोना पे जीत पाई जा सकती है। उसी जीत की जो श्रेणी मानी जा रही है उसमें ये कदम जो है बड़ा कदम माना जा रहा है। आज दो जो पॉजिटिव मरीज थे उन दोनों पॉजिटिव मरीजों को आज नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद छुट्टी दे दी गई है। हालांकि जो एक मरीज बुजुर्ग था जो कि दुबई से लौटा था उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, लेकिन उसको किडनी की प्रॉब्लम है। उसने खुद ने अंडरटेकिंग दी है कि मेरा किडनी का इलाज जो है दूसरे डॉक्टर के पास चल रहा है और उनके ऑब्जर्वेशन में इलाज लूंगा, इसलिए मुझे अब छुट्टी दे दी जाए। उनसे अंडरटेकिंग लेने के बाद उनकी छुट्टी दी गई है। साथ ही जो इटालियन महिला थी जिसको आरयूएस से शिफ्ट किया गया था उसको भी आज एसएमएस ला करके यहाँ पर छुट्टी दे दी गई। दोनों जो मरीज है उनको छुट्टी देने के साथ ही जो तीसरा मरीज पॉजिटिव से नेगेटिव आया है उसको अभी आईसीयू में उपचारित है, क्योंकि उनको चेस्ट की प्रॉब्लम है। उनकी जो इटली दूतावास है वो पल पल की रिपोर्ट ले रहा है। आज मेडिकल हिस्ट्री जो है उनकी पूरी ली गई थी दूतावास से, यानी कि वो भी काफी हद तक रिकवरी मोड पे है, लेकिन अभी जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उसको डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता है। जबकि चौथा पेशेंट है युवक जो वो आइसोलेशन में भर्ती है, उसको अगर रिकवरी मोड पे आता है और उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो मतलब बिल्कुल। विकास, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए अपडेट।